बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल विलेज फूड एंड डेली लाइफ। मज़ेदार और आसान रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा बंस, जिसके लिए हम सबसे पहले डो तैयार करेंगे। डो तैयार करने के लिए मैंने लिया 2 कप मैदा, 1 टेबलस्पून यीस्ट, 1 टीस्पून चीनी, 1/2 टीस्पून नमक और 3 टेबलस्पून ऑयल। के मुताबिक हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तो डो तैयार कर लेते हैं। डो हमने गूंद ली है, इस पर अब हम थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसको 30 से 35 मिनट के लिए रेस्ट देते हैं। पिज़्ज़ा बंस के लिए डो हमने रेस्ट के लिए रखी है। अब रेस्ट के दौरान हम उसकी फिलिंग जो है वो तैयार करते हैं। फिलिंग तैयार करने के लिए मैंने लिए शिमला मिर्च 2 अदद, 1 कप बारीक कटी हुई बंद गोभी, 1 कप श्रेडेड चिकन, 1 छोटे साइज़ का प्याज जिसको मैंने फाइन चॉप कर लिया, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टेबल स्पून ऑयल हमने डाली है। ये प्याज हमने इसमें सिर्फ 1 मिनट के लिए सोते करना है। हमारा सॉफ्ट हो चुका है, अब हम इस पर डालते हैं बंद गोभी। फिलिंग हमारी तैयार है, अब हम इसको ठंडा करते हैं और फिर आपके सामने नेक्स्ट प्रोसेस जो है स्टार्ट करते हैं। देखिए जी, माशाल्लाह से हमारी डो जो है वो कितनी अच्छी राइज हो चुकी है। अब हम इसके 3 पोर्शन करते हैं और इसको आपके सामने बेल लेते हैं। डो को मैंने इस तरह से रेक्टेंगुलर शेप में मैंने बेल लिया है। अब इसके सेंटर पार्ट पर हम पिज़्ज़ा सॉस जो है वो लगाते हैं। इसकी रेसिपी हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो तैयार किया ये हम इसके ऊपर लगाते हैं। चीज़ जो हमने रखी हुई थी ये हम इसके ऊपर डालते हैं। अब एक साइड से हम उठाकर तो इस तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे और दूसरी साइड से उठाकर भी इसी तरह से फोल्ड कर देंगे। बिल्कुल चारों साइडों से हमने इसको मुकम्मल तौर पर बंद कर देना है। कटिंग करते हैं इस तरह से। पैन को हम अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेते हैं। आप कोई भी पैन ले सकती हैं, पिज़्ज़ा पैन ले सकती हैं या किस्म का किसी भी स्टाइल का आपके पास मौजूद है तो आप उसको ले सकती हैं। उठा के हम इसके अंदर रखते जाएंगे। अब अंडे के साथ हम इनको ग्रीस करेंगे ऊपर से। थोड़ी सी हम ऊपर से चीज़, ऑलिव्स, इसको 20 से 25 मिनट के लिए मैं बेक होने के लिए रखती हूँ। तो बेक होने के बाद फिर मैं आपको इनकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। बेक हो चुके हैं, मैं इनको निकालती हूँ और आपको एक पीस निकाल के दिखाती हूँ। देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा बेक हुआ है। आप अंदर से देखें, अगर चीज़ भी फुल अच्छे तरीके से मेल्ट हो गए तो चारों साइड पर स्प्रेड हो चुकी है। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी जो है वो अच्छी लगी होगी। इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा, बच्चे इसको शौक से खाएंगे। दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।